हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरिज्म और डिटेल स्टडी। इसके पर पूरी डिटेल स्टडी है जो मैं लूँगा और बिल्कुल आसानी से आपको समझ आएगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरिज्म, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ लर्निंग थ्योरी दैट ओनली फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। तो बिहेवियरिज्म जो है मेन फोकस करते थे, जितने भी बिहेवियरिस्ट थे उनका ये मानना था के ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी बाहर से हम किसी भी चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं, इंस्टिंक्ट के थ्रू नहीं ट्रेन किया जा सकता, बाहरी तौर पे हम किसी भी चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। हम किसी भी बच्चे को अगर हमें ट्रेन करना हो या किसी भी चीज़ को अगर हम ट्रेन करना हो तो हम उसको बाहर के थ्रू यानी कंडीशनिंग फैक्टर से ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आउटर अपीयरेंसेस, यानी जिस तरह से हमारे मोटर एक्टिविटी है, यानी जो हम काम वाम करते हैं, यानी प्रैक्टिस एक्टिविटी, उन पे फोकस करते थे, ना कि कॉग्निशन चीज़ पे, यानी जो हम सोचते हैं। जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट था, ये यही मानते थे कि ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, हम किसी भी चीज़ को जो हम किसी कंडीशन में डाल के किसी को ट्रेन कर सकते हैं। नाउ द लर्निंग डिफाइंड बाय बिहेवियरिज्म, बिहेवियर थ्योरिस्ट डिफाइन लर्निंग एज नथिंग मोर देन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। ये मेन फोकस करते थे एनवायरमेंट कंडीशन पे, यानी अगर हम कोई माहौल अगर तैयार करते तो हम किसी भी बच्चे को उस माहौल में ट्रेन कर सकते हैं। अगर हमें बच्चे को मशीन स्किल्स में ट्रेन करना हो तो हम उन्हें आसपास मशीन के माहौल में रखेंगे, अलग अलग मशीन के बारे में बचपन से ही हम उन्हें दिखाना शुरू कर देंगे, तो इस तरह से हम उसे आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। तो यानी ये हमारे पास आगे कुछ कुछ हम थ्योरिस्ट हैं जिसके थ्रू मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा। नाउ दिस वन इज़ द फ्लो डायग्राम दैट लीड्स टू बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट आया कहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, अगर हमें डीप वे में वहाँ लिख के आना है। और ये जो मैंने दिया आपको ये फ्लो डायग्राम, आप इसे पेपर में बना सकते हो बिल्कुल आसानी से, और यहाँ पे नंबर आपके स्कोर हो सकते हैं। तो हमें किस तरह से मेंशन करना है, द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आई, यानी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, जो कि ये कहती थी माइंड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और माइंड का एक स्ट्रक्चर होता है और एक फ्रेम होता है। इसमें जो इनके जो मेन, अगर हम कहें फादर की बात करें, तो विलियम वुंट, जो कि एक अमेरिकन थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का कंसेप्ट रखा। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स इंक्रीज होते गए और अलग अलग जो भी थियोरिस्ट आते गए, उन्होंने आगे एक नए स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दिया, दैट इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म ये मानते थे कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से ब्रेन किसी चीज़ को समझता है, ये उसको उस पे जाने लगे। तो इसका जो फादर था वो विलियम जेम्स माना जाते हैं, यानी ब्रेन किस तरह से एक्ट करते हैं, कि ब्रेन हर चीज़ को देखे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो फंक्शनलिज्म है। अब बिहेवियरिज्म अगर हम बात करें, इज एन एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनलिज्म, यानी फंक्शनलिज्म आगे धीरे धीरे करके बढ़ती गई, और ये फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने आगे जाके बिहेवियरिज्म को जन्म दिया। यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, सबसे नीचे वाले में देखिए, बिहेवियरिज्म के साइड में, एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनलिज्म लीड्स टू बिहेवियरिज्म, यानी फंक्शनलिज्म ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जैसे जैसे बढ़ता गया है। पहले लोगों को लगता था ब्रेन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, जैसे विलियम वुड ने एक्सप्लेन किया, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और डिटेल में, पर वहाँ ये लिख के आना, क्योंकि 16 मार्क का क्वेश्चन होगा आपके पास, तो अगर आप इतना ज़्यादा लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इतना ही लिखना है पहले। स्ट्रक्चरलिज्म इट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बाय विलियम वुंट, उसके बाद ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, हर चीज़ को किस तरह से परसेप्ट करता है, उसके ऊपर किस तरह से कॉग्निटिव स्किल, यानी हम क्या सोचते हैं, क्या ये करते हैं, ये सारा फंक्शनलिज्म है। और फंक्शनलिज्म ब्रेन के फंक्शन पे काम करता था, ये थिंकिंग पे नहीं था जाता, फंक्शन पे। और इसी फंक्शनलिज्म ने आगे जाके बिहेवियरिज्म का एक फॉर्म लिया। इन 1913 वॉटसन लॉन्च्ड बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इट मींस 1913 में वॉटसन पहली बारी लेके आए, और जिन्होंने इस टर्म को टोकनाइज किया, अगर हम बात करें कि बिहेवियरिज्म टर्म को जो लेके आए, कि फंक्शनलिज्म का एक एक्सटेंशन बिहेवियरिज्म है। अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म, और स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस करता है, यानी विलियम वुंट ने इसे ढूंढा था। विलियम वुंट के जो स्टूडेंट थे वो एडवर्ड टिचनर थे, जिन्होंने फाइनली डिफाइन करा था स्ट्रक्चरलिज्म को 3 बेसिस पे। इतना ज़्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत पता हो तो सही है। जैसे कि उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, विजुअल सेंसेशन एंड फीलिंग एंड इमेज। इस 3 पार्ट में हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म ने फोकस किया था। उसके बाद फंक्शनलिज्म पढ़ा हमने,
फंक्शनलिज्म एक तौर पे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी माइंड। ये माइंड का एक बायोलॉजिकल अप्रोच था फर्स्ट टाइम पे कि माइंड को स्टडी करना, और इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि जो माइंड है वो एक तरह से स्ट्रक्चर और पैटर्न नहीं है। माइंड जबकि किसी चीज़ को प्रोसेस करता है ना कि वो स्ट्रक्चर है, तो ये अगेंस्ट थे स्ट्रक्चरलिज्म के। तो उसके बाद फंक्शनलिज्म आई, फंक्शनलिज्म फंक्शन पे डिपेंड करती थी। उनका मानना था हम किसी के माइंड को ट्रेन कर सकते हैं बाय रेपिटेशन, एक्सरसाइज एंड हैबिट ऐसे। और फंक्शनलिस्ट तो कई सारे थे, जैसे कि हम बात करें जॉन डेवी, जेम्स रॉलन एंड केटल, ईएल थ्रोनडाइक, ऐसे से बहुत सारे जो फंक्शनलिस्ट थे। फंक्शनलिस्ट के बाद बिहेवियरिस्ट आए। तो ये वाला जो टॉपिक है फाइनली कंडीशनिंग एंड बिहेवियरिस्ट पे है कि किस तरह से जो बिहेवियरिज्म है और जितने भी बिहेवियरिस्ट होते थे वो ये मानते थे कि कंडीशनिंग फैक्टर बहुत ज़रूरी है अगर किसी चीज़ को हमें ट्रेन करना हो। तो किसी बच्चे को ट्रेन करना हो तो आसपास वैसे कंडीशन प्रोवाइड करो। कंडीशनिंग का सिंपल मतलब है एक तरह से इन्वायरमेंट सेट करके देना। अगर किसी बच्चे को बचपन से अगर राइटर बनाना है तो उसे अलग अलग किताब देना शुरू करो, अलग अलग टॉपिक्स उसे उसके साथ डिस्कस करना शुरू करो, और इस तरह से हम उसे कंडीशन देके एक अच्छा राइटर बना सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को कंडीशन कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डीप कॉन्सेप्ट, बिहेवियरिज्म बेस्ड अपॉन कंडीशनिंग। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि बिहेवियरिज्म कंडीशनिंग पे डिपेंड करती है, किस तरह का हम कंडीशन और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस एनवायरनमेंट को टेबुला रासा भी आगे मैं बताऊंगा किस तरह से कहते हैं। तो कंडीशनिंग को अगर हम बेसिकली अगर डिवाइड करें तो दो तरह के आपके सिलेबस में, वैसे टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है दो तरह की कंडीशनिंग। फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को लेके आए थे इवान पावलोव, आगे डिस्कस करेंगे, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेके आए बीएफ स्किनर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पावलोव, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट मेंशन करना है। यह इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट सब इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या था, क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या जिसके थ्रू बिहेवियरिज्म या स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म इतना ऊपर आई। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, द पावलोव कैप्ट ए डॉग एंड गेव फूड टू द डॉग थ्रू एन ऑटोमेटेड मैकेनिज्म एंड फूड कनेक्टेड टू रिंग एंड कंडीशन वॉज डन विद द रिंग कंडीशन टू बेल फॉर सेल्वेशन। ये मैंने लिख रखा है शॉर्ट वे में, आप इस तरह से लिख के आ सकते हो पेपर में। अब मैं बताऊंगा ये है क्या, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले यूएस से, यहाँ पे यूएस से अनकंडीशन स्टिमुलस, पहले स्टिमुलस का मतलब पता करते हैं होता क्या है। स्टिमुलस का मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी कमरे में और ऊपर फ़ैन चल रहा है और उसका ध्यान फ़ैन पे चला जाता है, तो फ़ैन उसे खींच रहा है अपनी तरफ, उसके ध्यान को खींच रहा है, तो फ़ैन क्या है यहाँ पे, स्टिमुलस है। और स्टिमुलाई का मतलब होता है द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस का प्लूरल। जब उसको फ़ैन भी खींच रहा हो अपनी तरफ, फिर वो बल्ब को देख रहा है, बल्ब भी उसे अपनी तरफ खींच रहा है, उसके ध्यान को खींच रहा है, और अलग अलग कई सारी चीज़ें अगर उसके ध्यान को खींच रही है तो ये स्टिमुलाई है। ठीक है, तो स्टिमुलस का मतलब कोई एक चीज़ जो बच्चे के ध्यान को खींच रही है, किसी के ध्यान को अगर कोई एक चीज़ खींच रही है तो वो स्टिमुलस है, और अगर बहुत सारी चीज़ खींच रही है तो वो स्टिमुलाई है। ये स्टिमुलस और स्टिमुलाई के बीच में डिफरेंस है। अब आते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट समझाया नहीं है, पहले कुछ टर्म्स समझा दूं। अनकंडीशन स्टिमुलस इट मींस यूएस, जिसकी कंडीशनिंग नहीं की गई है, ऐसा स्टिमुलस, ठीक है, जो स्टिमुलस अभी बताया मैंने, तो अनकंडीशन स्टिमुलस को यूएस कहेंगे, कंडीशन स्टिमुलस को सीएस कहेंगे, जिसकी कंडीशनिंग कर दी गई है। बताऊंगा मैं आगे जाके किस तरह से कंडीशनिंग की जाती है और क्या है ये। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है, जैसे रिस्पॉन्स का सिंपल मतलब ये है उस पंखे को देख के बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर वो खुश हो रहा है तो वो उसका रिस्पॉन्स है। तो ऐसी अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ऐसे रिस्पॉन्स जिसे कंडीशन नहीं किया गया है, और कंडीशन रिस्पॉन्स जिस रिस्पॉन्स को कंडीशन कर दिया गया है। एन आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स AR और आर्टिफिशियल स्टिमुलस AS। इसे एक बारी पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट वाले इसमें पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे ये थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। चलिए अब क्लासिकल कंडीशनिंग समझते हैं। सबसे पहले सिंपल ये डायग्राम देखिए, फ्लो चार्ट ऐसा ही कुछ बना के आना है पेपर में, और बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें देखिए बोन मेंशन है एंड डॉग, हड्डी है और कुत्ता है,
तो हड्डी को देख के जो है कुत्ते के मुंह में सलाइवा आता है, यानी लार आता है उसके मुंह में, तो हम बोन को कहेंगे ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब मैंने इस पे अभी कंडीशन नहीं लगाया, ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब बोन को देख के हर कुत्ते के मुंह में सलाइवा तो आता ही है, तो अभी ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है बोन, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया, ये नेचुरल है। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है डॉग, यानी डॉग एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दे रहा है, हमने ट्रेन नहीं करा डॉग को रिस्पॉन्स देने के लिए, पर वो नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है, वो क्या है, सलाइवा। तो बोन यूएस है और डॉग जो है वो यूआर है। इट बहुत सिंपल है कि बोन जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है नेचुरल वे में है, और डॉग डॉग का सलाइवा आना एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब कंडीशनिंग करते हैं जो इवान पैवलोव ने किया, इवान पैवलोव ने डॉग का यूज़ किया, तो ये याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इवान पैवलोव ने क्या करा, इवान पैवलोव ने फिर बोन को कंडीशन किया बेल रिंग के साथ। अब किस तरह से करा, घंटी की आवाज़ के साथ। पहले जो है उस कुत्ते को सिंपल हड्डी दी जाती थी और कुत्ते के मुंह में सलाइवा आता था, ऐसे 2-3 बार ही किया गया। और बाद में क्या कर दिया गया, जब कुत्ते को हड्डी दी जा रही थी उस समय पे घंटी बजा रहे थे, तो मतलब एक बार ही कुत्ते को हड्डी दी गई और उस टाइम पे घंटी बजाई गई, और अगली बार कुत्ते को हड्डी दी गई उस टाइम पे घंटी बजाई गई, तो कुत्ते ने एज्यूम कर लिया, उसे मान लिया कि हड्डी यानी बेल की आवाज़ से हड्डी दी जाती है। तो यानी बेल रिंग जो है वो बोन के साथ कंडीशन कर दिया गया, यानी उसे ऐसा लगने लग गया कि घंटी बजती है फिर हड्डी आती है, घंटी बजती है घंटी बजने के कारण हड्डी मिलती है, तो ये कंडीशन कर दिया गया। तो बोन कंडीशन विद बेल रिंग हम कह सकते हैं, जो मैंने मेंशन कर रखा है आगे। अब ये जो रिंग है यानी बेल रिंग यानी घंटी की आवाज़, ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था यानी बोन, उसे मैंने कंडीशन में डाल दिया बेल रिंग के साथ। अब मैं हड्डी नहीं दे रहा हूँ, एक दिन आके मैं सिंपल घंटी बजाता हूँ और कुत्ते के मुंह में सलाइवा अपने आप आ जाता है। क्यों, कुत्ते ने अब हड्डी को ये मान लिया कि बेल रिंग जो है यानी घंटी की जो आवाज़ है वो ही हड्डी लेके आती है, तो यानी वो कंडीशन कर दिया मैंने। अब मैं उसे हड्डी नहीं दे रहा पर फिर भी उसके मुंह में क्या आ रहा है, सलाइवा, क्योंकि कंडीशन कर दिया गया है। वो अनकंडीशनल स्टिमुलस को मैंने कंडीशनल स्टिमुलस कर दिया, यानी बोन की जगह अब रिंग ने ले ली, यानी घंटी की आवाज़ ने, अब घंटी की आवाज़ आ रही है, ये कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है कि घंटी की आवाज़ से अब कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले कुत्ते के मुंह में सलाइवा बोन को देख के आ रहा था, इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। यही यही पूरा जो उसका उनका फॉर्मूला और पैटर्न है क्लासिकल कंडीशनिंग का, इवान पैवलोव का, जिन्होंने यहाँ पे बोन को कंडीशन दिया, एक पूरा एक पैटर्न, एक पूरा कंडीशन दिया बेल के साथ, और डॉग ने बोन को और बोन और बेल को अपने आप कनेक्ट कर लिया, और बाद में बोन की जगह बेल ने ले ली। यानी पहले कुत्ते को ऐसा लगता था कि हड्डी से उसके मुंह में सलाइवा आता था, बाद में उसे खुद कनेक्ट कर लिया कि नहीं, घंटी के साथ जो है वो हड्डी आती है, और एक दिन हड्डी नहीं दी गई और घंटी बजाई गई, तो कुत्ते को ऐसा लगा कि अब हड्डी आएगी। तो दिस इज़ अ पैटर्न ऑफ कंडीशनिंग, इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, जिसमें कि हम यूएस को सीएस में चेंज कर देते हैं, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस को किसी कंडीशन में डाल के एक कंडीशनल स्टिमुलस में चेंज कर देते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी कहते हैं एएस, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को एक कंडीशनल रिस्पॉन्स में बदल देते हैं। हड्डी की बजाय सिर्फ घंटी बजाने से सलाइवा आ रहा है, तो यही पूरा एक पैटर्न है क्लासिकल कंडीशनिंग का, और इसके बारे में जो लिखना है वो इससे प्रीवियस पेज में आप उसके बारे में वो लिख सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का। नेक्स्ट इज ऑपरिन कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट में जो आए वो बीएफ स्किनर थे, इन्हें कई बारी नहीं, इन्हें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इन्होंने भी कंडीशनिंग फैक्टर का यूज़ किया, पर वो डिफरेंट नहीं कह सकते हम, पर वैसे ही था, हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक ने एक लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रिंसिपल दिया था, जिसे हम रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। अब मतलब बताता हूँ सब चीज़ का, एक एक करके हम पहले आते हैं। थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल था ट्रायल एंड एरर, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी हमें यह समझना है कि थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल लॉ ऑफ इफेक्ट से इन्होंने री इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट उठाया। री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए उसकी बड़ाई करना, जैसे बच्चों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाना है तो उन्हें चॉकलेट ऑफर कर दिया,
ठीक है। तो इस तरह से इसे रेनफोर्समेंट कहते हैं, यानी किसी की अगर क्वालिटी बढ़ानी हो या किसी की अगर तुम्हें अगर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ानी हो तो हम उसे बेट दे सकते हैं, कुछ लालच दे सकते हैं, इसी को रेनफोर्समेंट कहा जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट का यूज़ करा, यानी जो रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट था थॉर्नडाइक का, उसे बीएफ स्किनर ने यूज़ किया और उसे अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग में लेके आए। तो हम ये कह सकते हैं कि स्किनर लेड्स द सोल ऑफ बिहेवियरिज्म, अगर बिहेवियरिज्म का पूरा कंसेप्ट है तो वो स्किनर लेके आए थे। इनका मानना था कि किस तरह से हम एक रिस्पॉन्स के थ्रू किसी को भी ट्रेंड कर सकते हैं। इन्होंने रेनफोर्समेंट या रिस्पॉन्स के थ्रू रेनफोर्समेंट इन्होंने बताया किस तरह से हम किसी को लालच दे सकते हैं, किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके थ्री मेथड्स इन्होंने बताए, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहा, न्यूट्रल रेनफोर्समेंट कहा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में हम उस बच्चे की या उसकी बड़ाई करेंगे काफ़ी के, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, या जैसे तुमने गुड दे दिया या तुमने चॉकलेट ऑफर कर दिया, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब जो अगर कुछ आदत बच्चों के अंदर गलत है, अब उसे हमें रोकना है उस आदत को, तो हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे, जैसे हम उसे कई बार डांट देंगे या फिर हम उन्हें पनिशमेंट देंगे, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। न्यूट्रल रेनफोर्समेंट का मतलब सिंपल होता है, जैसे एक्ट चल रहा है उसको चलने दो, ना पॉजिटिव करो ना नेगेटिव करो, अगर वो सही है उन्हें एवरेज है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट यानी रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट जो हमारे पास आया वो स्किनर लेके आया। इन्होंने कहा कि कंडीशनिंग की जा सकती है पर एक्सटीरियर वे से, बाहर के तरीके से। हम पॉजिटिव वे से भी किसी को कंडीशन कर सकते हैं, नेगेटिव वे से भी अगर किसी के अंदर अगर आदत गलत है तो हम उसे हटा सकते हैं नेगेटिव कंडीशनिंग देके। और न्यूट्रल कंडीशनिंग का मतलब एज न्यूट्रल रहो। तो ये कंसेप्ट जो है हमारे पास आया कंडीशनिंग के, जिसमें रेनफोर्समेंट कंसेप्ट आया, उसके थ्री डिवीजन हुए, ये बीएफ स्किनर के थ्रू आया। एक बार इसके थ्रू जाते हैं हम फ्लो डायग्राम के थ्रू। स्किनर बिलीव दैट द कॉजेज ऑफ बिहेवियर आर इन एनवायरमेंट। इनका मानना था हम एनवायरमेंट सेट करके उस इंडिविजुअल को चेंज कर सकते हैं या उस बच्चे को चेंज कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट का एक बेसिक रोल बताया गया कि मेन रोल जो है वो एनवायरनमेंट का होगा, यही कंडीशनिंग फैक्टर है। इससे पीछे भी हमने पढ़ा था कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, किसी को एक सेटअप एनवायरनमेंट में डाल के उसके बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट लेके आए, उसे ट्रेन किया जाए या ढाल दिया जाए अपने उसमें रंग में, तो यही बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट था। तो इन्होंने कहा नॉट रिजल्टेड फ्रॉम द इनर इवेंट्स लाइक थॉट्स फीलिंग और परफेक्शन, के इनर थॉट परफेक्शन इन सब के थ्रू हम किसी को ट्रेन नहीं कर सकते, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स मानते थे। जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें, कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर हम माने तो जैसे कि हमारे पास थॉर्नडाइक हो गए, विगॉस्की हो गए और ब्रूनर हो गए, ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका ये मानना था कि बच्चा जो है वो खुद ही अंदर से कैपेबल होता है, वो अंदर से खुद ही चीज़ों को कर करके सीख जाता है, और कुछ का मानना था सोशल इंट्रैक्शन से बच्चा सीखता है, समाज के अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट होके। तो इस तरह की सोच रखते थे जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट लाइक थॉर्नडाइक, ये रेडिकल थे, मानते थे बच्चा अंदर से खुद ही बिल्ट होता है, वो खुद ही चीज़ों को गलतियाँ कर करके सीखता है। तो वहीं पे हमारे इवान पावलोव थे, वो कहते हैं सोशल इंट्रैक्शन से सीखता है, समाज से कनेक्ट होके सीखता है, विगॉस्की जो कि ये कहते थे सोशल इंटरेक्शन से सीखता है बच्चा। तो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था जो हमें ये बताते थे कि बच्चा अंदर से सीखता है सब कुछ गलतियां करके, तो दूसरी तरफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जैसे कि अभी मैंने बताया विगॉस्की, जो ये कहते थे कि समाज के रिश्ते इन सब को बच्चा अगर बचपन से देखता है तब वो सीखता है कई चीज़ें। तो इस ये सब थे कंस्ट्रक्टिविस्ट, पर बिहेवियरिस्ट इससे बिल्कुल अलग थे, जो कि एनवायरनमेंट पे फोकस करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि इंस्टिंक्ट अंदर से कोई बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है, जैसे कि पहले वाले केस में बताया मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट वो मानते थे कि गलतियां करके बच्चा खुद ही सीख जाता है या फिर वो समाज से इंटरेक्ट होकर खुद सीखता है। बिहेवियरिस्ट मानते थे ऐसा नहीं होता, बच्चे को सिखाने के लिए कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, या तो आप रेनफोर्समेंट दो, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दो, नेगेटिव रेनफोर्समेंट दो, या न्यूट्रल जैसा है वैसे दो, एक वैसा माहौल सेट करके दो, तो बच्चा उस जैसा माहौल देखे वो उसमें अपने आप ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। तो एक तरह का हमें कंसेप्ट समझ आ रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे वो हम जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसे एक्टिव लर्नर मानते थे, यानी उसमें एक्टिव रोल किसका है, चाइल्ड का है, और एनवायरनमेंट पैसिव है। एनवायरनमेंट पैसिव का मतलब एनवायरनमेंट का असर नहीं आ रहा, बच्चा खुद ही सीख रहा है। और जो कि अगर हम बात करें
बिहेवियरिस्ट पे, बिहेवियरिस्ट ये कहते थे कि बच्चा खुद नहीं सीखता, कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है यानी जो लर्नर है, जो सीख रहा है वो पैसिव है और जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिव है। तो फर्स्ट वाले केस में टीचर और मेंटर का कोई रोल है ही नहीं, यानी कंस्ट्रक्टिव इसमें, क्योंकि बच्चा तो खुद ही सीख रहा है समाज से, तो उसमें टीचर मेंटर और गाइडर जो उसे गाइड कर रहा है उसका कोई रोल ही नहीं है। पर बिहेवियरिस्ट में कंडीशन प्रोवाइड करना, पेरेंटिंग, टीचिंग, मेंटर, इन सब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक माहौल सेट कर रही है। तो ये फ़र्क है। तो उनमें तो बिहेवियरिस्ट में जो एक्टिव रोल है इनका है। तो अब हम आते हैं इस पर थोड़ा सा कि स्किनर ने दो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स बताए। फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर। पहला रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है नॉन स्टिमुलाइज रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर। अगर स्टिमुलाई के बारे में उसे पता हो, जैसे किसी बच्चे को अगर हम किसी माहौल में ढाल रहे हैं और उसे पता है, जैसे कि अगर हम किसी को बच्चे को चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं, उसके अच्छे अगर उसके नंबर अच्छे आए तो हम उसे चॉकलेट देंगे, तो ये कौन सा होगा? एक तरह से हम कह सकते हैं रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर कि नॉन स्टिमुलाई, उसमें स्टिमुलाई के बारे में उसे पता होगा कि क्या है, किसके लिए करना है, गोल है क्या, क्या चीज़ फोकस है, यानी ये है कि चॉकलेट उसके आंखों के आगे रहेगी, यानी चॉकलेट उसे नॉन है, उसे पता है चॉकलेट मिलेगी, कई सारे चॉकलेट मिलेगी। तो ये है रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर। यानी ऑपरेंट बिहेवियर, और ऑपरेंट बिहेवियर में क्या होता है? अननोन स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है। बच्चा मेहनत कर रहा है, एकदम से फर्स्ट आ गया, चॉकलेट दे दिया, या फिर हमने उसे कोई टॉय दे दिया, या अलग अलग कोई भी आप कुछ अलग अलग चीज़ ऑफर कर दिए, तो वो है अननोन स्टिमुलाई। तो ऑपरेंट बिहेवियर की थ्योरी की वजह से बीएफ स्किनर को जाना जाता है, जिनमें उन्होंने रेइनफोर्समेंट का कंसेप्ट लेके आया। रेइनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किनर ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए उन्होंने एक स्किनर बॉक्स यूज़ किया। उस बॉक्स के अंदर उन्होंने रैट को रखा, और रैट को रखने के बाद उन्होंने उसको, उस पूरे बॉक्स को एकदम से बंद कर दिया। बंद करने के बाद बाहर जो है एक स्टिमुलस रखा गया, एक लीवर, यानी जो लीवर जिसके थ्रू वो जो गेट खुलता है उस बॉक्स का, यानी पुली टाइप का, तो वहाँ पे एक उन्होंने कुछ एक बेट कह सकते हैं हम, एक लालच दे दिया खाने का। तो अब जो चूहा है उसे देखे, वो चूहे के लिए रेइनफोर्समेंट का काम कर रहा है, पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट का। अब वो उसके लिए कई सारे उसने हरकतें करनी शुरू कर दी कई सारे, और उनमें से एकदम से उसने उसे खोल लिया स्किन बॉक्स को 10-15 मिनट्स में विदिन, और उसके बाद वो जो उसका बेट था, यानी जो भी उसके लिए जो खाना रखा गया था, उसने उसे खा लिया। तो ये एक तरह से हमें ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि स्टिमुलस और स्टिमुलाई ये इवोक करते हैं, और इसके थ्रू जो है हम किसी के बिहेवियर को सेट कर सकते हैं। अब वो चूहा भूखा था, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, और उसके लिए बाहर एक लालच के तौर पे खाना रखा गया था, तो इस वजह से हमने उसको कंडीशन किया कि कितनी वो मेहनत करेगा, उसे बहुत सारी मेहनत करी ताकि उसे वो चीज़ मिल सके, और फाइनली उसे मिल जाती है। तो ये पूरी वीडियो इसी पे बनाई गई है। बिहेवियरिज्म का अगर कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से उसमें ये लिखना है, आप इतने तरह के फ्लो चार्ट बना सकते हो। बाकी मैं डीप नॉलेज दे रहा हूँ आपको। जेबी वाटसन इन 1913 इन्फ्लुएंस्ड बाय इवान पावलोव एंड लीड्स टू द वेरी बिगनिंग ऑफ स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। मैंने बताया जेबी वाटसन 1913 में इवान पावलोव से वो इन्फ्लुएंस हुए, और उसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट को आगे रखा। एंड बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ एक्टिविटी इग्नोर्स एंड क्रिटिसाइज द कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ mind, and according to behaviorism the thinking, perception and cognition is an absurd। behaviorists ये मानते ही नहीं थे कि बच्चा जो है वो खुद ही सोचता है, वो खुद ही परसेप्ट करेगा, वो खुद ही एक तरह से cognition यानी सोचेगा अलग अलग कंडीशन को देख के। ऐसा नहीं है, बच्चे को कंडीशन किया जाता है, यानी हम स्केप फोल्डिंग कर सकते हैं, यानी टीचर उन्हें हेल्प करता रहेगा और उन्हें एक माहौल सेट करके देता रहेगा कि ऐसे माहौल होगा तो बच्चा अपने आप इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो आजकल का अगर हम कंसेप्ट की बात करें आजकल की, तो बिहेवियरिज्म ज़्यादा उसमें है, चर्चा में है, क्योंकि हर बच्चा अपने हर पेरेंट्स सॉरी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं ताकि उनको एक तरह से कंडीशन मिले और बच्चा अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से कंडीशन है। तो बिहेवियरिज्म आज के एक नॉर्मल ग्राउंड पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो ये नहीं मानते थे कि बच्चा खुद ही सीखता है, उसके अंदर खुद इंस्टिंक्ट होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते थे, ये बिहेवियरिस्ट ऐसा नहीं मानते थे। तो हम कुछ कुछ देखते हैं अबाउट द डिविजन एंड डिमार्केशन बिटवीन द बिहेवियर बिहेवियरिज्म क्रिटिसाइज व्हाट द फैक्टर दैट द बिहेवियरिज्म क्रिटिसाइज एंड व्हाट द फैक्टर दैट द बिहेवियरिज्म रियली फेवर्स ऑन। किसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, किसको वो फेवर करते हैं। अब अगर हम क्रिटिसाइज पे जाएँ तो फॉर परसेप्शन, सोच किस तरह से वो चीज़ों को
समझते हैं द कॉग्निशन अगेन, सोच थिंकिंग वही बात होती है। कॉग्निशन का मतलब होता है द प्रोसेस, इट मींस जब हम किस कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर गया, हमने उसे प्रोसेस किया, क्या समझा क्या नहीं समझा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द कॉग्निशन। और थिंकिंग वो ही सोचना एंड इंस्टिंक्शन, अंदर से एक आवाज़ आती है और बच्चा खुद ही उस चीज़ के लिए मूव करेगा, जैसे कि हम आइडियाज़ कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं, ये इनके बिल्कुल अगेंस्ट है। बिहेवियरिज्म फेवर किसको फेवर करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़। अगर हमें किसी को हम अगर ट्रेन करते रहें, उससे वही काम रोज़ करवाते रहें, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाएगा। एक टाइपर है, वो टाइप कर रहा है रोज़ रोज़ रोज़, जब उसे टाइपिंग करने के लिए उतार दिया जाता है तो वो खुद ही टाइप करने लग जाता है, और ये नहीं सोचता कि मैं ये टाइप कर रहा हूँ या मेरे मेंटल माइंड में प्रोसेस हो रहा है। ऐसी लैंग्वेज का होता है, जब लैंग्वेज एकदम बोलना शुरू कर देते हैं, अगर इंग्लिश इंग्लिश, तो एकदम से सोचना उतना नहीं होता, एकदम से निकलने लग जाता है ऑटोमेटिकली फॉर्म में, तो वही है। तो ऐसी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी पे है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एकदम से सोच के नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। एंड परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस पे करते थे, कितना ज़्यादा हम चीज़ों को करेंगे उतने ज़्यादा हम उसमें परफेक्ट होंगे। नाउ पॉइंट्स रेज बाय बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट कौन कौन से पॉइंट को उठा के लेके आते हैं। फर्स्ट थिंग इज दे बिलीव इन मेजरेबल आइटम्स, वो मेजरेबल आइटम पे विश्वास करती हैं, अंदर के इंस्ट्रक्शन पे या इंट्रोस्पेक्शन पे इन पे विश्वास नहीं करते, उन्हें जो दिखता है सामने वही उस पे विश्वास करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव एंड मटीरियल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया कि वो कितना परफेक्ट है, वो कितनी स्पीड में कर रहा है किसी काम को, वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, ये सब कुछ हमें बिहेवियरिस्ट के थ्रू पता चलता है, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से। साइकोलॉजिस्ट हु फ्रेम बिहेवियरिज्म पावरफुल आर, कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो कि बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट को जिन्होंने आगे रखा और ज़्यादा फेमस करा। अगर हम बात करें कुछ, जैसे कि लैशले का न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट था, जिनका ये मानना था कि हम न्यूरो यानी न्यूरोलॉजी यानी न्यूरोन यानी किसी के न्यूरोन और माइंड को अंदर से ट्रेन कर सकते हैं, अगर हम उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू और कंडीशन कर दिया जाए या एक माहौल में उन्हें सेट कर दिया जाए। ऐसे टॉलमैन पर्पसिव बिहेवियरिज्म, हम किसी यानी अगर कोई हमारा पर्पस हो लाइफ में, जैसे कि किसी को अगर IAS बनना हो या किसी को अगर कुछ बनना हो, तो वो उसके थ्रू उसको वैसा कंडीशन दिया जाए, वो सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर उसे बताया जाए और उसको उस तरह से इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस तरह से करना है, एक पूरा पैटर्न और एक पूरा एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने उसमें चलने लग जाएगा, वो कंडीशन हो जाएगा और अपने गोल को टच कर लेगा। इवान पावलोव का अभी हमने करा था क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड द सेम इज़ अबाउट द BF स्किनर, अभी हम करके हटें दी ऑपरेंट कंडीशन, नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अब जब वो मेंशन किया है तो पेपर में थोड़ा बहुत लिख के भी आना पड़ेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज है, इसमें मेंशन कर रखा है मैंने, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज लैशलेस न्यूरो फिजियोलॉजी, इसके अंदर क्या है, दैट हाउ ब्रेन रिस्पॉन्ड टू फिजिकल एक्टिविटी, इट मींस ब्रेन कॉग्निशन पुल्स टू फिजिकल एक्टिविटी, वी कंडीशन ब्रेन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, ये करवा चुका हूँ मैं, ये समझा भी चुका हूँ। नाउ द टोल मैन्स पर्पसिव बिहेवियरिज्म, नाउ देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एनी बिहेवियर, इट मींस बिहेवियरिज्म ऑफ एन एक्टिविटी दे बी अ पर्पस रादर देन अ थिंकिंग एंड परसेप्शन, कि कोई पर्पस होता है, कोई थिंकिंग और परसेप्शन नहीं चलता, हमने सोचा और ऑटोमेटिकली IAS का पेपर क्रैक हो गया, ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें कंडीशन किया जाता है, मेहनत करनी होती है, अपना एक स्केड्यूल सेट करना होता है और इन्वायरमेंट सेट करना होता है, तब हम अपने गोल को टच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड द सेम इज अबाउट द BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये वही पेज है, वैसे तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है पर एक बार भी फिर भी देख लेते हैं। हाउ बिहेवियरिज्म डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म, अगर बिहेवियरिज्म का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि बिहेवियरिज्म किस तरह से डिफरेंट है स्ट्रक्चरलिज्म से। नाउ स्ट्रक्चरलिज्म ल्यूमिनेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, बता चुका हूँ मैं, स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ माइंड के स्ट्रक्चर पे को अच्छी तरह से डिफाइन करती थी। विलियम वंट opened at first the systematic study of brain, brain के systematic study को William Wundt लेके आए थे, एंड Edward Titchener उनके student थे, जिन्होंने finally the psychology or the science of consciousness को लेके आए। consciousness जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, that's a part of the consciousness, and unconsciousness जो कि हम किसी चीज़ को देख के किस तरह से हम उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, that's a part of the unconscious, यानी जो एक्टिव नहीं है, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ख्याल हैं, जो हमें बनना है, that's a part of unconscious। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस डिफाइंड बाय स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म ने किस तरह से डिफाइन करा सब चीज़ को, कि किसी भी चीज़ को जो हम समझते हैं उसे थ्री लेयर के थ्रू समझते हैं, विजुअल सेंसेशन, चीज़ों को देख के हम समझते हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में है, फीलिंग या तो हम इसे फील करते हैं, एंड इमेज परसेप्शन, इमेज के फॉर्म में अपने माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पर स्टोर कर लेते हैं।
तो ये तीन तरीके हैं जिसको स्ट्रक्चरलिज्म जो है मानती थी, पर स्ट्रक्चरलिज्म के बाद फंक्शनलिज्म आई जो कि इन स्ट्रेटा को, इन डिवीज़न को नहीं मानती थी, जो कि सिंपल मानती थी कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है वो मेन है, ना कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका एक पैटर्न है वो मेन है। Now it's how behaviorism that focuses on activity and outer appearances and objective view and starkly differentiated from the structuralism which focuses on introspection and self-observation. तो अगर हमें पता चल गया कि किस तरह से ये दोनों चीज़ काफ़ी अलग है, वो मैंने वैसे भी बता दिया था। नेक्स्ट हेडलाइन पे आती हैं, बिहेवियरिज्म फॉर्मली फैब्रिकेटेड ऑन एनवायरमेंट। बिहेवियरिज्म पूरी किस पे कसी गई है, पूरा कंसेप्ट को एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट के ऊपर। तो कंडीशनिंग इज अ वे ऑफ मार्किंग सब्जेक्ट कंडीशन बाय कन्फाइनिंग सब्जेक्ट टू ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट। एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के थ्रू हम किसी चीज़ को कंडीशन कर सकते हैं, ये बिहेवियरिज्म मानती थी। तो बिहेवियरिज्म, ये बना देना फ्लो वहाँ पे चार्ट के, बिहेवियरिज्म ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट लीड्स, इसे जो एनवायरमेंट का असर होता है, बिहेवियरिज्म इन्वायरमेंट का असर होता है, और हम किसी को ट्रेन कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को कंडीशनिंग करके, किसी का कंडीशन करके। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है इसी को टैबुलर रासा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ सकते हैं वो कि टैबुलर रासा क्या होता है। तो टैबुलर रासा का सिंपल मतलब होता है मीन्स ब्लैंक स्लेट। एक दिमाग जो है वो खाली एक स्लेट की तरह होता है या जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इज द फॉर्म इज कंसेप्ट ऑफ द टेबुला रासा के मीन्स ब्लैंक स्लेट वेयर द टीचर कैन राइट एनीथिंग ऑन द चाइल्ड्स माइंड। कि हम एक एनवायरमेंट सेट करके, एक मेंटर और एक जो टीचर होता है वो एक तरह से अपना एनवायरमेंट सेट करके अपने वे से, अपने ढंग से किसी बच्चे को ट्रेन कर सकता है। वो उसी में किसी को साइंटिस्ट, वो उसी में किसी को इंजीनियर बना सकता है, तो किसी को चोर भी बना सकता है। दैट्स अबाउट दी हाउ दैट यू आर डीलिंग दैट चाइल्ड। तो ये टेबुला रासा है, इट मीन्स एनवायरमेंट, आसपास का माहौल, उसे टेबुला रासा कहते हैं। नाउ द बिहेवियरिज्म लीड्स टू कंसेप्ट। बिहेवियरिज्म किन कंसेप्ट को लेके आगे आइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेनफोर्समेंट पेपर में पूछते हैं। मैंने बता दिया, पीछे एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, एक न्यूट्रल भी होता है, पर वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का कम से कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें पनिशमेंट वनिशमेंट ये सब होते हैं। इन केस अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तब यूज़ करना चाहिए। वैसे हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू ही नेगेटिविटी को हटाना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। जैसे कोई अगर गंदे काम कर रहा है तो तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ना कि कोई अगर गंदे काम कर रहा है तो तुम उसे मार दो या पीट दो या पनिशमेंट दे दो। ये तरीका नहीं करना, यानी पॉजिटिव वे से रेनफोर्स करके हम उसे एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट को रिवॉर्ड भी कहा जाता है, एक तरह से इनाम देना, जो कि कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट हो या कुछ भी हो, या प्राइज़ हो, मेडल हो, ये सब रेनफोर्समेंट का टॉपिक। तो हम कह सकते हैं रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ रिवॉर्ड। और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरिज्म इन टीचिंग। टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंस है बिहेवियरिज्म का, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि लिख के आना एंड में। द टीचर एंड मेंटर लीड्स टू एक्ट एज रीइन्फोर्समेंट। रीइन्फोर्समेंट स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ इन द रिस्पॉन्स टू वर्ड्स स्टिमुलस और स्टिमुलाई। के रीइन्फोर्समेंट के थ्रू हम किसी भी बच्चे को सही कर सकते हैं, और रीइन्फोर्समेंट रफली इक्वल टू रिवॉर्ड। हम कह सकते हैं कि रीइन्फोर्समेंट रिवॉर्ड एक तरह से है इक्वल। इन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट इट इज प्रेज, गुड ग्रेड्स और मेडल। अगर एजुकेशन की फील्ड में अगर हम बात करें तो रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, किसी की तारीफ़ करना, अच्छे ग्रेड्स देना या मेडल देना, विच इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जो आप नोट कर सकते हो। एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट इट इज़ एन अनप्लेजेंट कंडीशन और मे बी अ पनिशमेंट टू स्टॉप द डिसायरेबल एक्टिविटी ऑफ अ स्टूडेंट। ये पनिशमेंट देना होता है, पर हमें ये नहीं देना चाहिए, हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू ही उस बच्चे को सही करना चाहिए। Now move to the second one is scientific method for the studying behavior. ये पहली बार ऐसा तरीका है जिसके थ्रू टीचर यूज़ कर सकती है इस मेथड को एक साइंटिफिक तौर पे किसी के बिहेवियर को पता करने के लिए। कि इन एजुकेशन ए ट्रेन टीचर टू स्टडी अ साइंटिफिक वे ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर द टीचर कंडीशन स्टूडेंट टूवर्ड्स एयर गोल बाय पॉजिटिव मीन्स। पहले बच्चे को पता करो कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, और उसके बाद उस तरह का कंडीशन उसे प्रोवाइड करो और उसे सही करो। तो एक तरह से साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग इसने प्रोवाइड किया बिहेवियरिज्म ने इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। नाउ हैबिट फॉर्मेशन एंड थेरेपेटिक यूज। हैबिट फॉर्मेशन में भी इसका होता है, किसी की आदत सही करनी हो तो, और थेरेपी किट उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को थेरेपी प्रोवाइड करनी हो, हमें थेरेपी देनी हो तो।
जैसे इट लीड्स हैबिट फॉर्मेशन, इससे हैबिट फॉर्मेशन हम करवा सकते हैं, किसी की अच्छी आदत लगवा सकते हैं. द टीचर फॉर्म्स ई हैबिट रिलेटेड टू स्टडी एंड कंडीशन स्टूडेंट एंड एक्सेलरेट्स देम टू वाइप आउट देयर वीकनेस, उसकी वीकनेस को हटा सकती हैं. अगर कई बच्चा कई अगर कोई है अगर जो ए अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा या वो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो हम उसे वैसे कंडीशन दे के अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करके या साउंड्स या फिर प्रोजेक्टर ऐसे कुछ करके हम उसे ट्रेन कर सकते हैं. और थेरेपी के लिए भी यूज़ होता है, किसी बच्चे के अंदर अगर कोई कमी है या किसी चीज़ से डर है तो हम उसे उस माहौल में लेके जाएंगे और वहाँ उसे ट्रेन कर देंगे. जैसे कोई अगर मान लेते हैं अगर हम किसी को अंधेरे कमरे से डर लगता है किसी बच्चे को, तो हम उसे अंधेरे कमरे में ले जाएंगे उसे और टीचर एक दो दिन उसके साथ रहेगी और धीरे धीरे करके उसके मन से हम डर निकाल सकते हैं. तो ये कंडीशन होता है, तो इस तरह से हम थेरेपी के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ये एक टीचिंग में एक बहुत ही बेस्ट रोल प्ले करेगी. क्योंकि आजकल का जैसा मॉडर्न ज़माना है, बच्चों के अंदर कई तरह के फोबिया होते हैं, उन सबको हटाने के लिए ये बहुत ही एन एक्सलेंट वे है बिहेवियरिज्म का. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म. ये सब SR मैकेनिज्म के ऊपर बेस हैं कि स्टिमुलस यानी जो चीज़ तुम्हें खींचेगी और तुम उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स देते हो. तो हम इसमें एक पॉजिटिव स्टिमुलस बना सकते हैं, एक हाई पावर स्टिमुलस बना सकते हैं और बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं. तो जैसे कि बाय कंडीशनिंग स्टिमुलस वी कैन ट्रिगर द रिस्पॉन्स रिलेटेड टू दैट स्टिमुलस. उस स्टिमुलस को लेके हम उसके रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी को अगर मान लो IAS बनना हो तो हम उसको क्या दिखा देंगे, एक बच्चे को उसको रियल IAS से मिलवा देंगे, देखो ये है, ठीक है. तो हमने उसको स्टिमुलस दिखा दिया रियल, जिसकी तरफ वो खींचा चला. उसके पावर के बारे में बता देंगे बच्चे को कि ये है, ऐसे है, मतलब इतनी पावर होती है इनकी. तो बच्चे के दिमाग के अंदर पहले ही सेट हो जाएगा कि हाँ कि स्टिमुलस बहुत ही पावरफुल है, तो मेरे को भी इसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना पड़ेगा. ये भी एक तरह से हमने कंडीशनिंग की है कि हमने एक पर्सनैलिटी दिखा दी, उसके उससे मिलवा दिया और उसकी पावर दिखा दी. तो दिस इज़ अ रियल वे कि हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं. तो ये भी बिहेवियरिज्म का एक कंसेप्ट है, बहुत ही एक्सलेंट. नाउ द बिहेवियरिज्म लीड्स टू प्रोग्राम्ड लर्निंग. एक तरह से प्रोग्राम्ड लर्निंग है कि हम किसी को किस तरह से ट्रेन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, किस तरह से हमें कौन से उसे एज में और कौन से तरीके से हमें उसे कंडीशन करना चाहिए ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके. तो एक तरह से ये प्रोग्राम्ड लर्निंग है. नाउ एब्रिजमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म फ्रॉम फंक्शनलिज्म टू गेस्टाल्ट थ्योरी. अब बिहेवियरिज्म जो है वो फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट थ्योरी को करीब लेके आई. इसको थोड़ा सा समझते हैं. एब्रिजमेंट का मतलब होता है करीब लेके आना. फंक्शनलिज्म हमें पता था किस तरह से वो माइंड पे फोकस करती थी, माइंड के फंक्शन पे, कि माइंड किस तरह से फंक्शन करता है, इट्स वर द प्रोसेस ऑफ माइंड. पर स्ट्रक्चरलिज्म के बाद फंक्शनलिज्म आई, तो फंक्शनलिज्म फोकस करती थी मेन इस पे कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट उठ के आई थी फंक्शनलिज्म. इसी फंक्शनलिज्म का एक्सटेंशन हुआ जब बिहेवियरिज्म आई. बिहेवियरिज्म फोकस करती थी स्टिमुलस पे, फिर इस बिहेवियरिज्म ने आगे जाके जो एक्सटेंशन हुआ फंक्शनलिज्म का वो बिहेवियरिज्म लेके आई. फिर इस बिहेवियरिज्म से गेस्टाल्ट थ्योरी आई. अब गेस्टाल्ट थ्योरी और बिहेवियरिज्म में हल्का सा बताता हूँ, वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. गेस्टाल्ट थ्योरी जो थी वो बल्क पे विश्वास करती थी, यानी कलेक्शन पे. इसका मानना था एक स्टिमुलस जरूरी नहीं है जो किसी चीज़ को खींचे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस होना चाहिए. गेस्टाल्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इट मीन्स कलेक्शन, इट मीन्स होल, पूरा सेट. तो इसके लिए उन्होंने आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से गेस्टाल्ट का व्यू होता है. जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे के आगे कोई उसे किसी जंगले में या किसी जेल वाले उस पैटर्न में बंद कर दिया हो और बाहर उसके लिए कुछ खाना रख दिया और अंदर मैंने लकड़ियाँ फेंक दी या कुछ अलग अलग चीज़ फेंक दिया और उसे कहा कि खाने को ले, तो वो कैसे करेगा, अलग अलग चीज़ को कंबाइन करेगा. पहले सब लकड़ियों को जोड़ेगा, उसे बांधेगा, फिर उसके बाद उस खाने को खींच के अपने पास लेके आएगा. तो ये पूरा प्रोसेस है. यहाँ पे इस बच्चे ने सिर्फ लकड़ियों को नहीं देखा बल्कि सारे चीज़ को देखा, सबको एक होल समझा, सबको एक सेट समझा, ना कि सिर्फ उसका लकड़ियों पर ध्यान था. नहीं, लकड़ी पे था, रस्सी पे था जिससे उसने बांधा, और किस तरह से उसको हुक बना के उस खाने को खींचना है उस पे भी. तो एक स्टिमुलस नहीं है जिसने उस चीज़ को, जिसके लिए वो उस बच्चे ने ये सारा प्लान बनाया, जबकि बाकी सारे स्टिमुलस को उसने देखा, सारे स्टिमुलस के बीच में रिलेशन निकाला और उस पूरे को एक होल सेट समझा और उससे कनेक्ट होके फिर उसने उस खाने को खींचा. तो ये है गेस्टाल्ट थ्योरी. इसके पर हम डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन की कोई बात नहीं है. तो फाइनली यहाँ पे यार बहुत ही बड़ा ये लेक्चर था, पर कुछ भी था
जैसा भी था आसान था, वो फाइनली यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है हमारा ये पूरा लेक्चर। इस तरह से हम स्ट्रक्चरलिज्म से गेस्टाल्ट थ्योरी तक गए। तो गेस्टाल्ट जहाँ पे कॉम्बिनेशन के थ्रू आती है कि हमें बताती है कि सेट और स्टिमुलस यानी स्टिमुलाई को अगर हम स्टिमुलस के बीच में रिलेशन समझ गए तो हमें गोल को टच करना बहुत ही ईजी होता है। तो वहाँ बिहेवियरिज्म स्टिमुलस पे बात करती थी और वो कंडीशन पे बात करती थी कि स्टिमुलस को देख के कंडीशन तैयार किया जाता है। तो वहीं गेस्टाल्ट थ्योरी जो है पूरे सेट को सारों को यानी स्टिमुलस को कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस यानी स्टिमुलाई के थ्रू हम गेस्टाल्ट थ्योरी बात करती है। तो हम आगे गेस्टाल्ट थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो फाइनली हमारा पूरा लेक्चर यहाँ पे ओवर हो जाता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। नाउ थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ अ चैनल, फील योर विंग्स एंड रेज इट टू फील इट। बाकी मेरे बारे में अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो मैंने नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं मेरे बारे में। मेरी अभी नई किताब मार्केट में आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे खरीदो क्योंकि वो फ्री है, आप उसे आसानी से किंडल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस ये सब है मेरे बारे में, आप देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट पेज पे। ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है जो मैंने लिखी है, ये नीचे चार बुक्स आपको दिख रहे हैं, द हार्ड नॉक्स ऑफ लव एंड रिनोवेशन इज़ माय एम, द वेपर ऑफ थॉट्स एंड द लास्ट जो अभी मैंने लिखी है द स्क्रीम। और मैंने बहुत सारे पोएम्स लिख रखी है, मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, आप देख लेना बस जो जो आपको जैसे लगे जैसे ना लगे, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है मेरे बारे में। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। Bye-bye.